हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही शानदार स्मार्ट डस्टबिन। और ये जो स्मार्ट डस्टबिन है ना, ये बनने वाली है आर्डिनो यूनो के द्वारा। तो यार, ये स्टूडेंटों के लिए भी बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तब यार वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन होता है, ठीक है। अगर वो आपका रेड सब्सक्राइब आ रहा है तो उसको दबा के ब्लैक कर दीजिएगा यार, उसमें कोई भी चार्ज नहीं लगता है। आप यार वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये स्मार्ट डस्टबिन बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम इस तरह का एक प्लास्टिक का बॉक्स, जो कि डस्टबिन के लिए ही आता है, ठीक है, देख सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स, इसका ढक्कन बनाने के लिए हमें एक स्मार्ट ढक्कन बनाना होगा, ठीक है। तो वो कैसे बनाएंगे, चलिए उसके लिए हम लेते हैं ये MDF बोर्ड, है ना। इससे मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी प्रोजेक्ट बनाई है आप लोगों के लिए, ठीक है। और अब देखिए, इसको मैं इस तरीके से उल्टा रख के कट कर लूँगा इसके ढक्कन के लिए, है ना। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस तरीके से MDF बोर्ड का ये गोला कट कर लिया है और ये 3mm का MDF बोर्ड है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरीके से लगेगा इस बॉक्स के ऊपर, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम बीच से इस तरह से कट करेंगे। ये वाला जो भाग है इसका थोड़ा ज़्यादा है और ये वाला इसका थोड़ा सा कम है, ठीक है, देख सकते हैं। तो चलिए इसको हम जल्दी से कट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और अब हम इसको वापस से जोड़ेंगे। मेरा कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक टेप लगाएंगे ताकि ये इस तरीके से खुल सके, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको तो हम बाद में चिपकाएंगे इसके ऊपर, अभी फिलहाल हम लेने वाले हैं ये अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये फ्रेंड्स मैंने लोकल मार्केट से 80 रुपये में लिया है, ऑनलाइन हो सकता है थोड़ा महंगा मिले, ठीक है, देख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाने वाले हैं, है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस तरीके से छेद करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए मैं मार्क कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दो छेद निकालने वाले हैं ताकि हमारा जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो इसके अंदर बिल्कुल आसानी से लग जाए। तो चलिए निकाल लेते हैं छेद। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर लगाने के लिए छेद निकाल लिया है इस तरीके से, है ना। और अब हम इसको फिक्स करने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसको फिक्स करने से पहले यहाँ पर मैं आर्डिनो जम्पर केबल ले लेता हूँ इस तरह की, है ना, और इनको मैं इस तरीके से लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है VCC, ट्रिग, इको और ग्राउंड, चार पिन हैं आप देख सकते हैं। और अब इनके ऊपर मैं इस तरीके से केबल लगाने वाला हूँ। ये देखिए VCC पे मैं लगा दूंगा ये ब्राउन वाली केबल, फिर ये पास वाली जो केबल है ग्रे कलर वाली ये लगा दूंगा मैं ट्रिग पे। अब ये जो व्हाइट वाली है इसको मैं लगा दूंगा इको पे, और लास्ट में ये जो ब्लैक वाली है इसको मैं लगा दूंगा ग्राउंड पे, ठीक है। तो हमने अच्छे से इसको लगा दिया है इस तरीके से। तो ये एक मेल फीमेल केबल है आर्डिनो की। और अब आप सोच रहे हैं कि यार फिर आर्डिनो कहाँ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारा आर्डिनो यूनो और इसके अंदर यहाँ पर ये कनेक्शन होंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक IC लगी हुई है इसके अंदर, और ये एक प्रोग्रामिंग IC है। इसमें जिस प्रकार का प्रोग्राम हम डालेंगे ये आर्डिनो उसी तरह से वर्किंग कराएगा, ठीक है। तो अभी हम जो प्रोग्राम इसके अंदर डालेंगे PC के द्वारा यानी लैपटॉप के द्वारा, तो वो प्रोग्राम मैं इस तरह का डालूंगा ताकि हमारा यहाँ पर स्मार्ट डस्टबिन बन सके, है ना। तो चलिए इसको डस्टबिन में लगाने से पहले यहाँ पर मैं इस आर्डिनो के अंदर लैपटॉप के द्वारा इसका प्रोग्राम डाल लेता हूँ, यानी जो कोडिंग होती है इसकी वो डाल लेता हूँ। और इसकी जो कोडिंग है मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आर्डिनो को USB केबल के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आर्डिनो के अंदर लाइट आ गई है। और अब हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये प्रोग्राम डालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये आर्डिनो एक सॉफ्टवेयर होता है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले से कोडिंग इसके ऊपर लिखी हुई रहती है कुछ इस तरीके से, है ना। लेकिन हमें डालना है हमारा सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पर हमें टूल्स के अंदर जाके ये देखना होगा कि हमारा जो आर्डिनो है वो कौन से पोर्ट के अंदर लगा हुआ है, और अगर आर्डिनो और पोर्ट सेलेक्ट नहीं है तो हमें वहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पोर्ट और आर्डिनो मॉडल सेलेक्ट कर लिया है, और अब हम यहाँ से जो कोडिंग है उसको ले लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर जो हमारी कोडिंग है प्रोग्राम की वो आ चुकी है, और अब हम इसको अपलोड कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो अपलोडिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है, और अब हम आर्डिनो को लैपटॉप से हटा लेते हैं क्योंकि उसके अंदर प्रोग्राम आ चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके अंदर कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्ट्रासोनिक के कनेक्शन इसके अंदर कर लेता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने ये वायरिंग कर ही ली थी, और अब यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं जो अल्ट्रासोनिक का VCC है वो कनेक्ट होगा आर्डिनो की इस पिन पे जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर जो ट्रिगर लिखा हुआ है उस केबल को हम लगाएंगे आर्डिनो की इस पिन नंबर 5 पर, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जो अल्ट्रासोनिक के अंदर इको लिखा हुआ है उस 3rd नंबर की केबल को हम लगाएंगे आर्डिनो की पिन नंबर 6 पर, देख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब जो अल्ट्रासोनिक के अंदर ग्राउंड लिखी हुई जो केबल है यानी ब्लैक वाली, इसको हम लगाएंगे आर्डिनो के इस ग्राउंड पे, ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दी है। और अब फ्रेंड्स लेंगे हम एक सर्वो मोटर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है एक सर्वो मोटर, और इसका कनेक्शन हम करने वाले हैं आर्डिनो के अंदर, है ना। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ इसके अंदर आते हैं 3 वायर। तो देखिए, जो रेड वाला वायर है इसके अंदर वो वोल्टेज के लिए है, और जो ब्राउन वाला है वो ग्राउंड के लिए है, और जो येलो वाला है वो सिग्नल के लिए है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन तो मैं वैसे बाद में करूँगा क्योंकि हमें ये डस्टबिन में फिक्स करना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसके कनेक्शन कहाँ कहाँ होंगे। 3.3 वोल्टेज जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लगेगी जो रेड वाले केबल है वो, और जो इसकी ग्राउंड वाली है वो लगेगी यहाँ पर, और देखिए नीचे की तरफ भी ग्राउंड लिखा हुआ है। इसके बाद में जो सर्वो मोटर का सिग्नल है वो लगेगा यहाँ पर पिन नंबर 7 पर। साथ ही फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे हम एक बैटरी जो कि 9 वोल्ट की है, और इस बैटरी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो कहाँ पर हम लगाएंगे आर्डिनो के अंदर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका पॉजिटिव लग जाएगा बैटरी का, और जो 2nd नंबर वाली है ग्राउंड वाली वहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, तो बिल्कुल इजी कनेक्शन है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम इसके अंदर अल्ट्रासोनिक को फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों छेद बिल्कुल टाइट रखे हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से टाइटली ये लग चुका है। और अब इसके अंदर लगाएंगे हम इसका कवर, और बाद में जो आर्डिनो है उसको भी हम अच्छे से फिक्स करेंगे यहाँ पर साइड के अंदर, है ना। सबसे पहले हम इसका कवर लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीके से ये ढक्कन लग चुका है। और फ्रेंड्स यार, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि यार मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर ये जो सर्वो मोटर है इसको लगाएंगे इस तरीके से। लेकिन इससे पहले यहाँ पर सर्वो मोटर के साथ में कुछ और भी आइटम आते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 3 प्रकार के गियर है, और हम लेंगे ये वाला काम में। ठीक है, तो इसको मैं सर्वो मोटर पे लगा लेता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से। और अब हम इस सर्वो मोटर को इस ढक्कन के ऊपर इस तरीके से लगाने वाले हैं। तो चलिए इसको हम ग्लू स्टिक के द्वारा चिपका लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर हमने छोटा सा छेद कर लिया है, और अब इस वायरिंग को हम अंदर डाल देंगे इस तरीके से, और इस छेद को हम वापस से फिक्स कर देंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आर्डिनो को निकाल लेते हैं बाहर,
जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये वायरिंग ले लूँगा, फीमेल टू फीमेल वायरिंग। ये जो वायरिंग है इसमें पर पीस आपको 2 रुपये में मिलेगा, और यहाँ पर जो सर्वो मोटर मैंने यूज में ली है ये 110 रुपये की मेरे को मिली है, और ये आर्डिनो यूनो मेरे को मिला है 420 रुपये का, और ये अल्ट्रासोनिक 80 रुपये का। यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये जो प्लास्टिक का बॉक्स है, ये है 60 रुपये का। इसके ऊपर कहीं ना कहीं लिखा हुआ भी होगा, मैंने देखा था जब मैं इसको लेके आया था। ये देखिए यहाँ पर 60 रुपये लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लगा लेते हैं। जो कनेक्शन मैंने आपको बताए थे सेम उसी तरह से मैं कर लेता हूँ। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक 9 वोल्ट की बैटरी लेंगे। 9 वोल्ट की बैटरी आपको पता है कि 15 रुपये में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। तो ये सारा सामान मिला के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं आपकी स्मार्ट डस्टबिन कितनी सस्ते में बन गई है, ठीक है। तो फिलहाल तो हमारा काम बाकी है, अभी बनी नहीं है। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, ताकि आपको हर एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आ सके। अब देखिए इसकी वायरिंग को भी बढ़ाने के लिए फीमेल टू फीमेल ये जंपर केबल लूँगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये लगेगा नहीं ऐसे वायर, है ना। तो मैं येल्लो वाला वायर पॉजिटिव ले लेता हूँ और ग्रीन वाला वायर नेगेटिव। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ और फिर बैटरी को भी इसके अंदर सेट कर लूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इनको चिपका दिया है, और अब यहाँ पर जो वायरिंग है इसको मैं सेट कर लेता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स ये रहा इसका सर्किट डायग्राम जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, इसके सारे कनेक्शन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इनको इस तरीके से फिक्स कर दिया है टेप लगा के, और सिर्फ जो बैटरी है उसको हमने ओपन छोड़ रखा है, ताकि जब कभी बैटरी ख़त्म हो तो हम उसको चेंज कर ले। और देखिए अभी जो बैटरी के वायर है उनको हमने ओपन छोड़ रखा है, क्योंकि अभी हमें हमारी जो स्मार्ट डस्टबिन है उसको कम्प्लीट करना है। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला जो पैनल है बड़ा वाला, इसके ऊपर हम यहाँ पर छेद करेंगे बिल्कुल इसकी सिद में। तो चलिए मैं कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छेद कर दिया है, तो ये हमने दूसरे वाले पैनल पे 1 इंच छोड़ के किया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे एक धागा, तो रेस में अगर धागा लोगे तो बहुत मजबूत रहेगा। और देखिए एक ले लिया है मैंने वाशर, और अब इस धागे को मैं वाशर के इस तरीके से बांध दूंगा। और अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये जो छेद हमने किया था तो इसके अंदर से हम इसको निकाल लेंगे। और अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम बैटरी के कनेक्शन कर देंगे। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, क्यों हो रहा है अभी मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। तो हम ये आगे वाला जो छेद आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम वायर को लगा लेंगे। तो अभी क्या है, मैं अल्ट्रासोनिक के सामने खड़ा हूँ बिल्कुल, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको घुमा लेता हूँ, अब ये ऑटोमेटिक इस तरीके से नहीं होगा। तो चलिए अब हम इस धागे को अच्छे से बांध देते हैं। और अब देखिए फ्रेंड्स हमारा जो डस्टबिन है वो किस तरीके से खुलेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार हम इसको अब फ्रेंड्स आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार जब ये भर जाएगा तो इसका कचरा हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये तो बंद और चालू होता रहेगा। तो उसके लिए भी फ्रेंड्स यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि आप इसको जैसे ही ये ओपन होगा तो बैटरी के जो वायर है वो डिसकनेक्ट कर दीजिएगा, और खाली होने के बाद आप बैटरी का जो कनेक्टर है उसको वापस लगा दीजिएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये स्मार्ट डस्टबिन बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, हो सकता है ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। साथ ही आपके भी अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।